जय माता दी, जय माँ कामख्या, कामख्ये वरदे देवी नील प्रतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामख्ये काम चंपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर देही मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणि जय जय नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे दुखहरणी महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। यदि मनुष्य चाहे तो अपना कवच खुद तैयार कर सकता है इन नौ दुर्गों में, अपना रक्षा कवच स्वयं तैयार करें, अपने परिवार के लिए भी और स्वयं के लिए भी, तो देवी जी का श्री दुर्गा जी का दुर्गा कवच है, उस दुर्गा कवच का पाठ करें, गूगल से रोजाना हवन करें और इस कवच को किसी भोजपत्र के ऊपर लाल के पेन से लिखें और रोजाना इसका पूजन अर्चन करें, मतलब गंध अक्षत पुष्प पंचोपचार पूजा करें और आखिरी दिन जब नव दुर्गा का नौवां दिन रहता है उस दिन तक इसकी पूजन अर्चन करना है और दुर्गा कवच रोजाना आपको 108 बार बोलना है। गूगल से हवन करें और दशमी के दिन यानी दशहरे के दिन वो जो कवच जो आपने भोजपत्र के ऊपर लिखा हुआ है, जो पंचोपचार रोजाना पूजा करने के बाद में रखा हुआ है लाल कलर के आसन के ऊपर, उसको आपको किसी भी तांबे या सोने के तावीज में गले में धारण कर लीजिए। आपकी पूर्ण रूप से तंत्र से मंत्र से जादू टोने से काला जादू से ऊपरी बाधा से मूठ से किराए किराए से खिलाई पिलाई से सबसे आपकी रक्षा होगी, पर यह काम आपको खुद को स्वयं करना होगा। और यह कार्यक्रम रात को 11:30 बजे से 4 बजे के बीच में 108 बार रोजाना आपको पाठ करना है, घी का दीपक प्रज्वलित करना है, मां दुर्गा जी के कोई भी स्तुति आपको आती हो तो वो बोल सको तो बोल दीजिए, अदरवाइज आपको ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम सचिव पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण गर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम रिद्धि सिद्धि विद्धि सहितासी मनमहा गणाधिपते नमः। ये इतने सारे 15 मंत्र हैं, 15 नाम लेकर के आप रोजाना दुर्गा कवच का पाठ करें, 108 बार रोज गूगल की धुनी दें और दुर्गा कवच को पहले दिन लाल कलर के पेन से भोजपत्र के ऊपर लिख लें, निश्चित तौर से आपकी और आपके परिवार की रक्षा होगी, यह निश्चित है। प्रथम शैल पुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम जन्म घंटे थी कुशमांडी थी चतुर्गम पंचम स्कर्मा थी षष्ठम कात्यायनी थी च सप्तम कालरात्रि थी महागौरी थी चाष्टम नम सिद्धदात्री च न दुर्गा प्रतीर्गिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना अग्निना दहमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विश्वमे दुर्गमे च भार्यतः शरणं गता न तेषां जायते किञ्चित् शुभम रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखं भयं नहि येषुं भक्तां स्मृतं नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेंसि रक्षांसे तान संस
प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्री गत समारूणा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूणा कुमारी शिगिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूणा सर्वावरण भूषिता इत्या मातर सर्वा युग समन्विता नाना भरण शोभया नाना रत्नोपशोभिता दुष्यन्ते रथमारुणा देव्यः क्रोध समाकुलः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूसल आयुधं खेटकं तोमरं च परशुं पाशामेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाणमायमुत्तमं दैत्यानां देहनाशं भक्तानां भयाय च धारन्त्या नित्यं देवानां च हितावे नमस्ते अस्तु महारोदे महाघोरपराक्रमे महाबलो महेत्साये महाभय विनाशिनीं त्राहि मां देवी दुष्प्रच्छं शत्रुणं भयवर्धिनीं प्राच्यं रक्षतु मां इन्द्रिय अग्न्यामग्निदेवता दक्षिणेयतु वाराही नेरितं खड्गदाणी प्रत्युच्चं वारुणि रक्षेत् वायवाय मृगवाहिनी उदीचं पातु कुमारी एषा नाम शूलदाणी उर्दु में ब्रह्माणी में रक्षे धस्ता वैष्णवी तथा इन दसो दिशा रक्षे चामुंडा सहवाना जया में जागृत पातु विजया पातु पृष्ठ अजिता वाम पार्शे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्योतो नि रक्षे दुमा मुर्दि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रुवो रक्षे च शशिनी त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यम घटा च नाशिके शंकिनी चक्षुषो मध्ये छोत्रयो द्वर्वासिनी कपोलो कालिका रक्षे कणमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरेश्च च चर्चिका अदरे च अमृतकला जिह्वायां च सरस्वती दंतान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे च चंडिका घंटिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिंबुक रक्षे वाचम में सरमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धनी नीलग्रीवा बही कंठे नलिकम नलकुबेरी स्कंदयो खड्गिनी रक्षेत बाहु में वृद्धाणी हस्तयो दंडिनी रक्षेदाम्बिका चांगलीषु च नखांशूलेश्वरी रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरी स्तनो रक्षे महादेवी मनशोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षे गुहम गुहेश्वरी तथा पूतना कामी कामेड्रम गुद्दे महिष्वाहिनी कट्यं भगवती रक्षे जानंगी विन्दिवासिनी जंगे महाबला रक्षे सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयो नारसिंह च पाद पृष्ठे तु ते सती पादांगलिशूची रक्षे पादास्थलवासिनी नखां द्रष्टा कराली च केशांशूर्धकेशिनी रोमकूपेशु कोबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वसा मांसन्यासादि मेधांसी पार्वती अन्त्राणि कालरात्रीश्च पिक्तं च मुखरेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि स्थिता ज्वालामुखी नखज्वालांभेदा सरसिन्धुषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्तेश्वरी तथा अहंकारं मनोर्बुद्धि रश्मे धर्मधारिणी प्राण अपान व्यान च समानकम् व्रज हस्ता च मे रक्षे प्राण कल्याण शोभदा रसे रूपे च गंदे च शब्दे स्पर्श योगिनी सत्तम रजस्मे रक्षे नारायण सदा आयु रक्षतु वाराहु धर्म रक्षतु वैष्णवी यश कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्यां च चक्रणी गोत इंद्राणी मे रक्षे पशु मे रक्षे चंडिके पुत्रान रक्षे महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पंथां तुपदां रक्षे मां क्षेमकारी तुदा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वत स्थिता रक्षाहीनं तु यत्तिष्ठां वर्जितं कवचयन्तु तत्सर्व रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी जय माता दी। इस प्रकार से 42 श्लोक आपको बोलना है दुर्गा कवच के। इसको पाठ करने में 2 मिनट का समय लगता है। 108 बार रोजाना बोलना है और दशांश यानी 10 बार बोल करके गूगल से हवन कर दीजिए। रोजाना नींबू की बलि अवश्य देना है 9 दुर्गों में, और रोजाना बतासे के ऊपर कपूर, कपूर के ऊपर लौंग रख करके भोग अवश्य दीजिए। मां जगत जननी आपकी रक्षा अवश्य करेगी ये कवच धारण करने के बाद। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और पूरे साल भर आप सुरक्षित महसूस करेंगे और आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन भी आएंगे। इसका पाठ करने से या जो व्यक्ति इसके पाठ को सुनता है उसके शरीर में यदि कोई प्रेत बाधा है, ऊपरी बाधा है, जिन जन्नाद की बाधा है, या फिर कोई चौकी बेटी भेजी हुई हो या मसान भेजा गया हो, वो भी होगा तो वो शरीर छोड़ करके चला जाएगा। परंतु यह कार्यक्रम आपको रात को 11:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में ही करना है। प्रयास करिएगा और सुख समृद्धि शांति से जीवन व्यतीत करिएगा। माँ जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी
सिंहवाहिनी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंडनाशिनी, मधुकेटभंत्री, क्लेश नाशिनी, कष्ट निवारिणी, आद्यशक्ति आपका कल्याण करें।